गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, पुलिस जिले में सर्च अभियान चला रही है। बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे होने के कारण नोएडा भी आतंकियों के निशाने पर रहने के साथ उनका हाई आउट रहा है और इस कारण से नोएडा में सुरक्षा चुस्त रखना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। होटल, मॉल, पीजी व गेस्ट हाउस की तलाशी ली जा रही है, लेकिन जब सादे कपड़े में पुलिस के साथ दो लोग हथियार के साथ सेक्टर 32 स्थित लॉजिक्स मॉल में प्रवेश कर गए तो सुरक्षाकर्मी उन्हें रोक नहीं पाए। अब अधिकारी मॉल के मैनेजमेंट को लिखित में नोटिस देने की बात कह रहे हैं। नोएडा से सिटी सेंटर और लॉजिक्स मॉल और बाजारों में जांच करती हुई पुलिस और पुलिस की मदद के लिए मौजूद डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते की तत्परता को देखकर लगता है कि शहर के अपराधी कोई अपराध करने से पहले कई बार सोचेंगे, लेकिन पुलिस ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद होने का दावा उस समय इसको खोखला साबित किया जब सुरक्षा व्यवस्थाल को परखने के लिए जो है पुलिस के आला अधिकारियों के सामने सादे कपड़ों में दो लोग हथियार के साथ सेक्टर 32 लॉजिक्स मॉल में प्रवेश कर गए और सुरक्षाकर्मी उन्हें रोक नहीं पाए। अब अधिकारी मॉल के मैनेजमेंट को लिखित में नोटिस में जवाब मांग रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी करने के निर्देश भी अधिकारियों द्वारा दिए गए। ये आगामी गणतंत्र दिवस का पर्व जो 26 जनवरी को है उसके दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र कोई आतंकी घटना ना हो जाए, कोई अपराध की ऐसी घटना ना हो जाए, इसके दृष्टिगत अभी लॉजिक सवाल में और यहाँ मेट्रो स्टेशन पे चेक किया गया है, जिसमें हमारे साथ डाउन स्क्वाड टीम और मीडिया टीम भी है, एयर चेक टीम है, उनके द्वारा चेक किया जा रहा है। लॉजिक सवाल में हमारे दो बंदे प्राइवेट में गए जो अंदर हथियार लगा के पास हो गए, जिस पर कड़ी आपत्ति की गई है, उन्हें लिखित में भी इसकी नोटिस दी जाएगी।